नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ डिवाइन स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आज केदार बाबा संबंधित यात्रा के सारे अपडेट्स लेकर आया हूं, जिससे कि आप केदारनाथ यात्रा आने वाले समय में कैसे कर सकते हैं, क्या माहौल है इस समय यात्रा का, इस तरह के सारे डाउट्स जो हैं आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, और कैसा मौसम है अभी केदारनाथ यात्रा में, क्या यात्रा सुचारू चल रही है, जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल पर बाबा की यात्राओं संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। और आज के इस अपडेट में मैं आपको सबसे पहले मौसम की जानकारी दे देता हूँ। मौसम केदारनाथ घाटी का जो है आहिस्ता आहिस्ता साफ होता जा रहा है। कल बारिश कोई ज़्यादा नहीं हुई, बूंदाबांदी का मौसम रहा कल का पूरा दिन, लेकिन आज जो है मौसम कुछ साफ देखने को मिला केदारनाथ घाटी का। आज 18 सितंबर के दिन का ये अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कल सुबह यहाँ से जो है सुबह सोनप्रयाग से 10 से 12 हज़ार यात्रियों को ऊपर केदारनाथ यात्रा के लिए निकाला गया है, तो रश एक बार फिर से बढ़ गया है। यात्रियाँ का जो है यहाँ आने का सिलसिला फिर से जारी हो चुका है। काफ़ी भीड़ अब आपको देखने को आने वाले दिनों में मिलने वाली है केदारनाथ घाटी में। जी हाँ, सितंबर के इन 12 दिनों के अंदर और अक्टूबर के 26 दिन ही रहते हैं सिर्फ यात्रा के, तो 26 अक्टूबर तक आप दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ जी का, इसलिए रश एकदम से अब बढ़ेगा। बहुत सारी जो है दिक्कतें भक्तों को आने वाली है, इससे संबंधित मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कैसे आप यात्रा को प्लान करें, क्या क्या चीज़ें आप लेकर आए, कैसे आपकी यात्रा जो है सरल हो सकती है। दोस्तों, इस साल यात्रा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास, यात्रा ई पास होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप केदारनाथ यात्रा के लिए आते हैं या चार धाम यात्रा में आते हैं, तो आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वो जो है ई पास लेकर आपको इस यात्रा में आना होता है। और अब जो है भीड़ काफ़ी बढ़ेगी, इसलिए भक्तों को व्यवस्थित करने के लिए ई पास जो है वो चेक किए जाएंगे, तो आप जो है ई पास ज़रूर बनवा लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उत्तराखंड की देवस्थानम बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इस जो है रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मौसम अभी जो है बारिश लगभग केदारनाथ घाटी से हट जाएंगी और ठंड का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ जाएगा, और आने वाले समय में अक्टूबर में भी बर्फ़ गिरने के भी चांस जो है यहाँ इस घाटी में बन रहे हैं। और एक बार फिर से रौनक लौट आई है, जो भी भक्त यात्रा करना चाहता है वो बड़े जल्दी से अब यात्रा कर सकता है, क्योंकि अभी जो है 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ भीड़ सामान्य रहने वाली है, जिससे कि व्यवस्था आराम से मिल जाएगी। लेकिन आने वाले जो है 20 सितंबर के बाद से यहाँ व्यवस्था कुछ गड़बड़ा सकती है, क्योंकि भीड़ एकदम से बढ़ेगी, तो काफ़ी सारे भक्त एकदम से यात्रा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें यहाँ देखने को आपको मिलती हैं, और रेट हर चीज़ के आपको बढ़े हुए उन दिनों में मिलते हैं। तो और आज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक का पूरा रास्ता खुला हुआ है, कहीं पर भी कोई ऐसा लैंडस्लाइड जोन नहीं है जिसकी वजह से यात्रा रुकी हुई हो, पूरी यात्रा चल रही है, कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है। और एक इस वीडियो में मैं आपको एक नया अपडेट देना चाहूँगा कि जिसके बारे में अब लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है कि केदारनाथ मंदिर के जो प्रांगण में गर्भगृह के अंदर चांदी की परत हटाकर सोने की परत लगाने का काम जो है शुरू हो चुका है, और इसके लिए यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने भी इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो है क्या ये इस तरह का यहाँ विकास होना, इस तरह की यहाँ जो है परत लगाना सही रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।